Hello students, so today we will discuss about the pain management. So let's begin with the topic. Okay, while going on my topic, firstly let's discuss about the pain. Okay, now what is the pain? Pain is complex multifactorial phenomena which includes an emotional experience associated with actual as potential. Pain kya hota hai? Pain ek multifactorial phenomena hai. मल्टीफैक्टोरियल फिनोमिना, मल्टीफैक्टोरियल मींस बहुत सारे फैक्टर्स जो है इसके अंदर इंक्लूड है. बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो पेन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स जो है पेन के साथ में अफेक्ट होते हैं. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फिजिकल, इमोशनल, मेंटल. ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो पेन के साथ में इंक्लूड होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं असेसमेंट ऑफ द पेन. कि पेन को असेस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हम लोग इंक्लूड करते हैं. ठीक है, अब पेन को असेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, तो हम लोग दो तरीके से पेन को असेस करते हैं. फर्स्ट सब्जेक्टिव एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव में हम लोग ये चीज़ देखते हैं. सब्जेक्टिव में हम लोग किस तरीके से असेस करते हैं? सब्जेक्टिव में पेशेंट हम लोगों को बताता है कि उसको किस तरीके से पेन हो रहा है. ठीक है, कौन से एरिया के अंदर, किस इंटेंसिटी के अंदर उसको पेन हो रहा है, वो सब वर्बली पेशेंट क्या करता है, एक्सप्रेस करता है. ठीक है, सेकंड हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखते हैं. ऑब्जेक्टिव में खुद नर्स जो है वो पेशेंट को ऑब्जर्व करती है और उस ऑब्जर्वेशन के दौरान क्या करती है, असेस करती है पेन को कि कौन से साइट के अंदर पेन हो रहा है, किस इंटेंसिटी के साथ में, कौन से एरिया के अंदर पेशेंट को पेन हो रहा है. ओके, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम लोग सब्जेक्टिव के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ है. सब्जेक्टिव असेसमेंट के अंदर हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे पेन हिस्ट्री. ठीक है, सब्जेक्टिव असेसमेंट में हम क्या क्या चीज़ें असेस करते हैं? पेन हिस्ट्री के थ्रू हम लोग सब्जेक्टिव असेसमेंट करते हैं. तो पेन हिस्ट्री के अंदर हम लोग देखते हैं कि वाइल टेकिंग पेन हिस्ट्री नर्स मस्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्लाइंट टू एक्सप्रेस इन देयर ओन वर्ड्स हाउ दे व्यू इट एंड देयर सिचुएशन. ठीक है, कैसे करते हैं कि जब भी सब्जेक्टिव है मींस पेशेंट क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है पेन को. ठीक है, कि कौन सी साइट के अंदर, कौन से एरिया के अंदर, किस इंटेंसिटी के साथ उसको पेन हो रहा है. तो जब भी क्या करेंगे, हम लोग हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, तब नर्स को क्या करना है, पेशेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है कि क्या कर सके, क्लाइंट जो है वो एक्सप्रेस कर सके अपने वर्ड्स कि उसे किस तरीके से क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, किस इंटेंसिटी के साथ में, माइल्ड हो, बहुत कम पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या अलग अलग एरियाज़ के अंदर पेन हो रहा है, ये सब क्या करेगा, क्लाइंट एक्सप्रेस करेगा. ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, नर्स जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएगी क्लाइंट को. इस तरीके से क्या होगा, एक क्लाइंट और नर्स के बीच में एक IPR मेंटेन होगा. ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लाइंट का जो कोऑपरेशन है वो क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, विन कर सकते हैं. ठीक है, दिस विल हेल्प द नर्स टू अंडरस्टैंड मीन्स ऑफ पेशेंट टू क्लाइंट एंड हाउ द क्लाइंट इज कोपिंग विद इट. ठीक है, कि क्लाइंट जो है ताकि उसके साथ में कोऑपरेट कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पेन हिस्ट्री लेते हैं सब्जेक्टिव असेसमेंट में. सेकेंड पॉइंट आपका आता है सब्जेक्टिव असेसमेंट का ही, ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ अक्रेंस. ठीक है, मतलब कि कब जो है पेन जो है वो कब स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग टाइम उसका. ठीक है, तो ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ अक्रेंस के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ पूछते हैं, व्हेन डिड पेन बिगिन. ठीक है, हम लोग पूछते हैं कि पेन कब स्टार्ट हुआ है. ठीक है, सेकेंड तो पेशेंट आपको बताएगा कि हाँ ये मुझे दो दिन पहले या एक दिन पहले इस तरीके से स्टार्ट हुआ है. सेकेंड हम लोग देखते हैं हाउ लॉन्ग हैज़ इट लास्टेड. ठीक है, मतलब कि कितनी देर, कब ये एंड हो जाता है. ठीक है, दो घंटे में, एक घंटे के अंदर, कितना देर जो है मतलब पेन चलता है. ठीक है, तो आप पेशेंट आपको बताएगा कि हाँ ठीक है, एक घंटे या कुछ देर तक मेरा जो मुझे पेन रहता है. थर्ड एम्बुलर डज इट अकर एट सेम टाइम ईच डे, मतलब कि क्या ये आपको हर रोज़ सेम टाइम पे लाइक मॉर्निंग इवनिंग इस तरीके से रहता है. तो पेशेंट आपको बताएगा कि हाँ एवरी मॉर्निंग हम लोगों मुझे हर सुबह जो है पेन रहता है या इस तरीके से. नेक्स्ट हाउ ऑफन डज इट अकर. ठीक है, मतलब कि कब फ्रीक्वेंसी कितनी बार होता है, दो बार, तीन बार. तो पेशेंट आपको इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करेगा. इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि कब जो है पेन स्टार्ट हुआ है, कितनी देर तक रहा है, किस किस एरिया के अंदर होता है, ये सब चीज़ें आपको पेशेंट से पूछनी है.
पेशेंट आपको बताएगा। नेक्स्ट आया थर्ड पॉइंट आता है सब्जेक्टिव असेसमेंट का ही, कि लोकेशन कि किस एरिया के अंदर जो है पेन हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन विच एरिया इट इज़ फेल्ट। ठीक है, कि किस एरिया के अंदर पेन को फील कर, मतलब किस एरिया के अंदर पेशेंट को पेन हो रहा है। डू द एरिया डिफर अदर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि एक ही जगह पर पेन हो रहा है या अलग अलग, मतलब हाथ हैंड्स के अंदर पेन हो रहा है, लेग्स के अंदर पेन हो रहा है। ठीक है, तो एक के साथ मतलब दूसरी जगह भी पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये पेशेंट आपको बताएगा। सेकंड आता है, इफ़ सेवरल पार्ट ऑफ द बॉडी आर पेनफुल, डू पेन अकर साइमल्टेनियसली। मतलब कि अगर हम लोग पेशेंट से पूछेंगे कि पूरी बॉडी के अंदर, बहुत सारे पार्ट्स के अंदर अगर पेन हो रहा है, तो ये पेन साइमल्टेनियसली हो रहा है क्या, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो क्या है जा रहा है या हो रहा है, इस तरीके से हम लोग पूछेंगे। थर्ड है, इन पेन इस पेन यूनिलैटरल और बायलैटरल, मतलब एक ही जगह पर हो रहा है या दोनों जगह पर हो रहा है, इस तरीके से हम उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, आस्क द इंडिविजुअल टू पॉइंट साइट ऑफ डिस्कम्फर्ट। ठीक है, फिर उसे हम लोग बोलेंगे कि आप मुझे बताइए किस तरीके, मतलब किस कौन से साइड के ऊपर डिस्कम्फर्ट आपको फील हो रहा है, मतलब पेन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि डिस्कम्फर्ट होगा, तो कौन से पॉइंट के अंदर, कौन से साइड के अंदर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, ये हम लोग पेशेंट से पूछेंगे और पेशेंट आपको बताएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट के अंदर आता है आपका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब कि कितना पेन है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग पेशेंट के पेन की इंटेंसिटी को पता करने के लिए हम लोग मेनली क्या करते हैं, इंटेंसिटी स्केल का, पेन इंटेंसिटी स्केल का हम लोग यूज़ लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ये बहुत ईजीली मेथड होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट के जो पेन है उसको असेस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी स्केल्स हैं वो 0 to 5 नंबर की भी आती है और 0 to 10 के नंबर की भी आती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की पेन इंटेंसिटी को पता कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो स्केल्स है, करेंटली यूज्ड स्केल्स जो है वो कौन कौन सी है, न्यूमेरिकल टाइप में भी स्केल्स आती है, डिस्क्रिप्टिव टाइप में भी स्केल्स आती है, और विजुअल एनालॉग स्केल। विजुअल एनालॉग मतलब कि पेशेंट के एक्सप्रेशंस, उसको हम लोग देखकर जो है पता लगा सकते हैं कि उसे किस तरीके का पेन है। लाइक हैप्पी अगर फेस शो करता है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है, पेन नहीं है। ठीक है, थोड़ा अगर सैड फेस फील करता है, एक्सप्रेस करता है, तो हम लोग उसे बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, पेशेंट को मॉडरेट या सीवियर पेन जो है, तो इसे विजुअल एनालॉग स्केल के थ्रू हम लोग बता सकते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप की स्केल्स होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बताते हैं आपको पेन असेसमेंट स्केल। ठीक है, पेन को असेस करने के लिए कौन कौन सी स्केल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल के बारे में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल क्या होती है, कि न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल के अंदर जो रेटिंग होती है वो 0 to 10 तक के बीच के अंदर रेटिंग होती है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पेन की इंटेंसिटी का पता लगा सकते हैं इन जो नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, लाइक अगर ज़ीरो ना, हम लोग पेशेंट को स्केल देते हैं न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, जिसके अंदर 0 to 10 रेटिंग है, तो अगर पेशेंट, फिर हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप इनमें से बताइए कि आपको कितना, ठीक है, पेन हो रहा है, तो अगर पेशेंट 0 पर टिक करता है, 0 को टच करता है, तो इसका मतलब होता है नो पेन, उसे कोई भी पेन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 5 करता है, ठीक है, तो हम लोग उसे बोल सकते हैं हाँ मॉडरेट पेन पेशेंट को हो रहा है। ठीक है, अगर पेशेंट 10 नंबर पर अपना फिंगर या फिर टच फिंगर को रखता है, तो हम लोग उसे बोलेंगे कि हाँ ठीक है, पेन वर्स्ट है, बहुत ज़्यादा पेन पेशेंट को है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग नंबर्स के थ्रू हम उसकी इंटेंसिटी का पता लगाते हैं। नेक्स्ट आता है कि पेशेंट आर आस्क्ड टू चूज़ अ नंबर फ्रॉम 0 to 10 दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट एज और हर लेवल ऑफ पेन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0 to 10 के बीच में नंबर्स को अगर पेशेंट चूज़ करता है, तो उस नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के जो इंटेंसिटी है, पेन इंटेंसिटी, उसका क्या कर सकते हैं, उसको असिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 0 to 10 नंबर पेन रेटिंग स्केल है, 0 पे नो पेन है, 5 पे मॉडरेट पेन है, और 10 पे वर्स्ट पॉसिबल पेन है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट के न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल से हम लोग असिस्ट कर सकते हैं पेन को। नेक्स्ट आता है सेकंड, वर्बल रेटिंग स्केल। ठीक है, वर्बल रेटिंग स्केल के अंदर क्या होगा कि पेशेंट आपको वर्बली बताएगा, ठीक है, वर्ड्स के थ्रू बताएगा कि पेन हो रहा है, अगर वो नहीं पेन हो रहा है, मतलब माइल्ड पेन हो रहा है, तो बोलेगा हाँ थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, ठीक है, सीवियर पेन हो रहा है, तो वो आपको वर्ड्स के थ्रू क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा कि उसे किस तरीके का पेन हो रहा है। ठीक है, तो वर्बल पेन स्केल एज नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम ही बता रहा है कि हम लोग वर्बल पेन स्केल्स को अगर यूज़ करते हैं, तो अगर
पेशेंट बोलेगा नो पेन, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर पेन, तो हम लोग उससे पता लगा सकते हैं कि हाँ पेशेंट को किस लेवल का पेन है। ठीक है, थर्ड आ जाता है आपका विजुअल एनालॉग स्केल। ठीक है, विजुअल एनालॉग स्केल के अंदर हम लोग बताते हैं फेशियल एक्सप्रेशन से। ठीक है, ठीक है, तो विजुअल एनालॉग स्केल के अंदर क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, जिसके अंदर नो पेन एट वन एंड एंड वर्स्ट पेन एट द अपोजिट एंड। ठीक है, एक तरफ तो नो पेन लिखा होता है और एक तरफ अपोजिट में क्या हो जाता है, वर्स्ट पेन लिखा होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट को मतलब पेशेंट की इंटेंसिटी का, पेन इंटेंसिटी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वॉन्ग बार्कर फेस पेन रेटिंग स्केल। ठीक है, तो ये क्या है, आपका विजुअल एनालॉग स्केल, सॉरी जो आपका विजुअल एनालॉग स्केल है उसके अंदर ही आपका ये आता है वॉन्ग बार्कर फेस पेन रेटिंग स्केल। इसके अंदर क्या होता है, आप देख रहे हैं कि इसमें फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है, क्या कर रहा है, पेशेंट एक्सप्रेस कर रहा है अपनी पेन इंटेंसिटी को। ठीक है, तो इसके अंदर सिक्स फेसेस जो है वो यूज़ करते हैं 0 to 5 नंबर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसकी फेस 0 हैप्पी फेस आपको शो हो रहा है। ठीक है, अगर फेस 2 है, ठीक है, फेस 2 अगर 2 पॉइंट का है तो मतलब स्माइलिंग फेस है, तो पेशेंट क्या करे, पेशेंट क्या कर रहा है, स्माइलिंग कर रहा है, मतलब उसे ठीक है पेन है लेकिन वो फिर भी हंस रहा है, मतलब ज़्यादा पेन नहीं है। ठीक है, 4 फेस का अगर है तो स्माइलिंग और फ्राउनिंग, मतलब कि क्या है कि हाँ ठीक है वो उसे पेन है, ठीक है, फिर भी वो स्माइल कर रहा है, लेकिन हाँ उसका जो इंटेंसिटी है पेन की वो उतनी ज़्यादा नहीं है। ऐसे ही 6, 8 और 10 के अंदर क्या हो रहा है, 8 के अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा फ्राउनिंग में है, ठीक है, मतलब बहुत उसको पेन है, और 10 के अंदर क्राइंग फेशियल एक्सप्रेशन हम लोग देख रहे हैं, जिसके अंदर हाँ पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर या वर्स्ट पेन है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं पेन इंटेंसिटी। ठीक है, लाइक देखिए पेन मेजरमेंट स्केल, जिसके अंदर नो हर्ट 0, हर्ट लिटिल बिट 1, 2। ठीक है, तो इस तरह माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर पेन को हम लोग क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये सब हम लोगों ने बात की थी सब्जेक्टिव असेसमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, जो हम लोग क्या कर रहे हैं एज अ नर्स, खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के अंदर हम लोग फर्स्ट बात करते हैं बिहेवियरल इफेक्ट। बिहेवियरल इफेक्ट के मतलब कि पेन की वजह से पेशेंट के बिहेवियर के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे और उस चेंजेस को हम लोग किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग करते हैं कि असेस वर्बलाइजेशन, वोकल रिस्पॉन्स, फेशियल एंड बॉडी मूवमेंट एंड सोशल इंट्रैक्शन। ठीक है, मतलब क्या है, पेशेंट से बात करके, उसका रिस्पॉन्स लेकर, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर, उसके बॉडी मूवमेंट को देखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को किस तरीके का पेन है। ठीक है, ये सब चीज़ें उसके बिहेवियरल इफ़ेक्ट में आ जाएगा कि हम लोग उससे बात कर रहे हैं, अगर पेशेंट को ज़्यादा पेन है तो वो हमसे बात नहीं करेगा। ठीक है, उसके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अगर उससे कुछ पूछते हैं तो वो रिस्पॉन्स के बदले में हम लोगों को कुछ और बताता है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स के थ्रू भी पता लगा सकते हैं, और उसके बॉडी मूवमेंट के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि पेन की वजह से वो चल नहीं पाएगा, फिर नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसकी मोबिलिटी के अंदर थोड़े चेंजेस आ जाएंगे, तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि उसको क्या है, पेन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इंडिकेशन होता है ये पेन का। ठीक है, तो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम लोग पता लगा सकते हैं। और नेक्स्ट है वोकलाइजेशन। ठीक है, वोकलाइजेशन का मतलब कि वो अलग अलग आवाज़ के अंदर या साउंड्स के अंदर क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा अपने पेन को। ठीक है, अलग अलग साउंड्स के अंदर एक्सप्रेस करेगा, लाइक मॉर्निंग, ग्रोइंग, क्राइंग, ग्रंटिंग, स्क्रीमिंग, चिल्लाना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये पेन को असिस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के अंदर हम लोग पेन को असिस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हम लोगों का, फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, नेक्स्ट आता है, फर्स्ट हमें बिहेवियर पढ़ा, सेकेंड आता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब कि हम लोग इसके अंदर कि पेन, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि पेन जो है किस तरीके से आया है। ठीक है, उसका कैसे ओरिजिन हुआ है, कैसे किस तरीके से, क्या मतलब एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से बोन ब्रेक हो गई तो इस वजह से ओरिजिन हुआ है क्या पेन का। ठीक है, कितना ड्यूरेशन है, कब तक पेन चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन है, अक्यूट पेन है, ठीक है, या क्रॉनिक पेन है, बहुत टाइम से चल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको ये बताता है कि इस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के अंदर कि रिजल्ट इन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब कि पेन की वजह से, ठीक है,
क्या हो रहा है आपका सिस्टमिक जो चीज़ें हैं लाइक ब्लड प्रेशर, आपका पल्स रेट, ये सब चीज़ें भी इंक्रीज़ हो रही है क्या? आपके सिस्टमिक सिस्टम पे भी कोई बॉडी सिस्टम पे भी कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है क्या इस पेन की वजह से? ठीक है, तो ऑल ओवर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक पेन हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी के ऊपर क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के थ्रू भी हम लोग पता ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है PQRST फॉर्मेट। PQRST फॉर्मेट होता है कि हम लोगों ने पेन को PQRST फॉर्मेट के थ्रू इस तरीके से डिवाइड किया है। एक तो होता है प्रोवोकेशन। ठीक है, प्रोवोकेशन का मतलब कि कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, करने के दौरान, ठीक है, मतलब कैसे इंजरी हुई, ठीक है, इंजरी के बाद कोई भी एक्टिविटी करने के दौरान पेन कम हो रहा है या बढ़ रहा है, लाइक एक्सरसाइज करने के दौरान बढ़ रहा है, चलने के दौरान बढ़ रहा है, बैठते हैं तो पेन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोवोकेशन, कि इंजरी होने के बाद क्या क्या एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं और उस एक्टिविटी के दौरान पेन इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ये हम लोग प्रोवोकेशन के अंदर देखते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है आपका क्वालिटी। क्वालिटी मतलब कि पेन किस तरीके से है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब पेन किस तरीके से है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। ठीक है, किस तरीके का पेन है, ये हम लोग सेकंड क्वालिटी के अंदर पता करते हैं। ठीक है, तो पी और क्यू का तो हो गया। आर का मतलब होता है रेफरल या रेडिएशन। रेफरल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर साइट के अंदर ही पेन है क्या। ठीक है, वो क्या कर रहा है, जो है पर्टिकुलर साइट के अंदर ही पेन है। और रेडिएटिंग पेन का मतलब है कि वो क्या है, डिस्टल जो भी पेरिफेरल नर्व है उसको भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो रेफरल और रेडिएशन के अंदर ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, पी क्यू आर तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि क्वेश्चन हम लोग क्या क्या पूछेंगे पेन के बारे में। ठीक है, पैटर्न किस तरीके का जो है पेन है, ऑनसेट और ड्यूरेशन कब स्टार्ट हुआ है, उसका एरिया कौन से लोकेशन के अंदर जो है पेन हो रहा है, इंटेंसिटी माइल्ड है, मॉडरेट है, ठीक है, सीवियर है, और नेचर जो है किस नेचर का जो है पेन है। ठीक है, तो वो आपको हम लोग जो है क्वेश्चंस हम लोगों को पेशेंट से पूछने हैं और हम लोगों को उससे असिस्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड में आता है WHO 3-step ladder। WHO के अकॉर्डिंग जो पेन है उसको क्या किया गया है, 3-step ladder के अंदर समझाया गया है। ठीक है, कि पेन रिलीफ करने के लिए, ठीक है, WHO ने क्या किया था कि पेन रिलीफ करने के लिए एक 3-step ladder दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, पेन रिलीफ कर सकते हैं। अब वो कैसे कैसे हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट पेन। ठीक है, कि अगर पेशेंट को माइल्ड से मॉडरेट पेन है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या क्या दे सकते हैं उसको पेन रिलीफ करने के लिए, नॉन ऑपियोइड्स लाइक एस्पिरिन। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग और पैरासीटामोल हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एज ए मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप के अंदर अगर जो पेन है वो मॉडरेट टू सीवियर है, ठीक है, ठीक ठाक से लेकर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माइल्ड ऑपियोइड्स, ठीक है, लाइक कोडिन, ठीक है, विथ और विदाउट नॉन ओपियड्स। ठीक है, मतलब आप ओपियड्स के साथ भी देख सकते हैं और नॉन ओपियड्स के साथ भी उसे दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, पेशेंट का पेन थोड़ा सा रिलीफ होगा। ठीक है, थर्ड आता है आपका सीवियर पेन। अगर पेशेंट को है, थर्ड स्टेप के अंदर का सीवियर पेशेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ओपियड्स देंगे लाइक मॉर्फिन। ठीक है, विद और विदाउट नॉन ओपियड्स, नॉन ओपियड्स के साथ भी दे सकते हैं या नॉन ओपियड्स के बिना भी दे सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स जो है हम सीवियर पेन के अंदर पेशेंट को एडमिनिस्टर्ड करते हैं ताकि वो पेन को रिलीव कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पता कर लिया कि पेन क्या होता है, पेन को किसका, पेन का असेसमेंट दो तरीके से, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव देख लिया। उसके अंदर भी हम लोगों ने किया कि सब्जेक्टिव में किस तरीके से पेशेंट बताएगा और ऑब्जेक्टिव में हम लोग किस तरीके से असेस करेंगे। उसके बाद हमने पेन रिलीफ के अंदर हम लोगों ने देखा, पेन रिलीफ करने के लिए WHO ने 3-step ladder दिए थे, जिसको हम लोगों ने देखा माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के अंदर हम लोगों को किस किस तरह की मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड करनी है। नेक्स्ट आता है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, कि अगर एज ए नर्स हम लोगों को क्या करना है, पेशेंट का पेन रिलीव करना है, तो हम लोग क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू द चेस्ट पेन। अगर चेस्ट पेन पेशेंट को कफिंग की वजह से या कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से चेस्ट पेन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एयरवे क्लियरेंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को एयरवे क्लियरेंस करना है। सेकंड आ जाती है एंजाइटी रिलेटेड टू द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ पुअर कंट्रोल ऑफ पेन। ठीक है, मींस पेशेंट को एंजाइटी है, एंजाइटी भी हो गई। ठीक है, कि पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर कि इस तरीके से भाई मुझे पहले भी पेन हुआ था,
ठीक है, और अभी भी इस तरीके से पेन हो रहा है, तो इस तरह से पेशेंट को क्या होता है, थोड़ी बहुत एनजाइटी हो सकती है, तो उस एनजाइटी को रिलीव करना हमारे लिए प्रायर है, ठीक है। थर्ड आ जाता है आपका अल्टर्ड हेल्थ मेंटेनेंस रिलेटेड टू दी क्रोनिक पेन, ठीक है। क्रोनिक पेन की वजह से पेशेंट क्या कर रहा है, अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो नर्स क्या काम करेगी, उस हेल्थ को मेंटेन करने का काम भी करेगी, ठीक है। फोर्थ आ जाता है आपका इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू दी एस्थमेटिक पेन परसेप्शन, ठीक है। फिजिकल मोबिलिटी, एस्थमेटिक पेन परसेप्शन, लाइक पेशेंट को अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो क्या है, ज़्यादा चल फिर नहीं सकता है, ज़्यादा भाग नहीं सकता है, ठीक है, उसकी क्यों, उसकी वजह से पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो पेशेंट तो इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी मतलब पेशेंट चल फिर नहीं पा रहा है, तो उसके नर्सिंग डायग्नोसिस में हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल मोबिलिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ आ जाता है आपका नॉलेज डेफिशिएंट, ठीक है, रिलेटेड टू दी पेन, ठीक है, कि अगर पेशेंट को नहीं पता है पेन क्या होता है, किस तरीके से, तो वो नॉलेज के अब जो है डेफिशिएट है पेशेंट, ठीक है, तो हम नर्स क्या करेगी, उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, तो नॉलेज डेफिशिएंट जो है नर्स क्या करेगी, उसके ऊपर काम करेगी। सिक्स आता है आपका सेल्फ केयर डेफिशिएंट रिलेटेड टू दी पेन और डिजीज़ कंडीशन, ठीक है, कि पेन को किस तरीके से मैनेज करना है पेशेंट को नहीं पता है, ठीक है, तो क्या करेगी नर्स, उसके पर काम करेगी, उसको हेल्थ एजुकेशन देगी, उसे बताएगी किस तरीके से उसको अपने पेन को मैनेज करना है। तो ये थे आपके नर्सिंग डायग्नोसिस। अब इन पर क्या क्या काम कर सकते हैं कि यूज़ पेन असेसमेंट स्किल, ठीक है, क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होंगे, क्या क्या प्लानिंग हो सकती है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लेंगे पेन स्किल से, ठीक है, कि किस तरह का पेन जो है, किस तरह की इंटेंसिटी ऑफ पेन पेशेंट को है। इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे पेन को, ठीक है, कि कितना पेन है उसका, कब कब स्टार्ट होता है, कितनी बार स्टार्ट होता है, कितनी देर तक रहता है, ठीक है, उस तरीके से असिस्ट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। थर्ड आता है आपका एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स, जैसे कि मैंने बताया थ्री लेटर स्टेप के अंदर, ठीक है, कि किस अगर पेन मॉडरेट है तो किस तरह के एनाल्जेसिक देनी है, माइल्ड है किस तरह के एनाल्जेसिक देनी है, ठीक है, तो अगर इस तरह हम लोग क्या करें, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट पेन ऑन चार्ट, कि किस तरह का पेन जो है पेशेंट को है, वो हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ठीक है, कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, किस तरह का पेन पेशेंट को है, वो हम लोग क्या करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफाई और इनकरेज द पेशेंट टू यूज़ स्ट्रेटजीज दैट हैव बीन सक्सेसफुल विथ वेरियस पेन, ठीक है, मतलब उसको हम लोग बताएंगे कि इनकरेज करेंगे पेशेंट को कि इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं पेन को जो है रिलीव कर सकते हैं, उसको उसके ऊपर हेल्थ एजुकेशन देंगे, ठीक है। कंसीडर कल्चर इन्फ्लुएंस ऑन रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स का वेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी जो भी चीज़ है ना जो पेन को इंक्रीज़ करती है, ठीक है, वो सारे फैक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। लाइक अगर पेशेंट को भागने से अगर पेन इंक्रीज़ होता है तो हम लोग उसे बोलेंगे आप धीरे धीरे चलिए, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ ही हम लोग उसे एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो भी फैक्टर्स हैं जो पेन को इंक्रीज़ करते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। इसके अलावा हम लोग नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी टेक्निक वो हम लोग पेशेंट को बताएंगे, लाइक एक्सरसाइज, योगा, मेडिकेशंस, ठीक है। तो ये जो नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरेपीज़ हैं वो भी हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को बताएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।